महाराजा छत्रसाल पुरातत्व संग्रहालय धुवेला और मस्तानी महल का भ्रमण करने के बाद जैसे ही हम धुवेला तालाब पर पहुंचते हैं तो हमें तालाब के दूसरी तरफ पहाड़ी की तलहटी में एक इमारत नजर आती है जो बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक है। इसका आकर्षण इतना तीव्र है कि हमारे कदम खुद ब खुद इसकी ओर चल पड़ते हैं। धुवेला में स्थित यह खूबसूरत इमारत है महारानी कमलापति की समाधि। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल द न्यू जर्नी पर। आज के इस वीडियो में हम महारानी कमलापति की समाधि स्थल का भ्रमण करेंगे, तो आइए चलते हैं। इस समाधि स्थल का निर्माण महाराजा छत्रसाल ने अपनी पत्नी देवकुंवारी की याद में करवाया था, जिन्हें कमलापति के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल अपनी पत्नी देवकुंवारी से अत्यधिक प्रेम करते थे। प्रेम को भी क्यों ना। बचपन में ही माता पिता की असमय मृत्यु के बाद जब छत्रसाल अकेले और असहाय थे तब देवकुंवारी ही थी जिन्होंने जीवन संगनी के रूप में हर विषम परिस्थितियों में छत्रसाल का साथ निभाया। दोनों के परस्पर प्रेम को जीवंत कर देने वाला यह स्मारक आज भी पर्यटकों का मन मोह लेता है। कहते हैं कि यही वह जगह है जहां मस्तानी और बाजीराव का प्रेम परवान चढ़ा था। वास्तव में यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसने 17वीं शताब्दी में प्रेम की ऐसी गंगा बहाई जिसको लोग सदियों तक याद रखेंगे। कमल पुष्प के आकार में निर्मित इस द्विमंजिला इमारत के ऊपरी खंड में 8 गुम्बद हैं, जिसमें 48 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस स्मारक को बुंदेलखंड का ताजमहल भी कहा जाता है। वामपंथी इतिहासकारों के कारण दुनिया भले ही ताजमहल को प्रेम की निशानी के रूप में जानती हो, मगर मुमताज के जीवन के बारे में पढ़ने के बाद कौन कह सकता है कि शाहजहां ने मुमताज से प्रेम किया होगा। अपने 19 वर्षीय वैवाहिक जीवन में 14वीं संतान को जन्म देने के बाद मुमताज की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार शाहजहां को ही ठहराया जाता है। यह इमारत भले ही ताजमहल से कम खूबसूरत हो, मगर इसे प्रेम की वास्तविक निशानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। महारानी कमलापति की समाधि से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थल। वीडियो के अगले भाग में हम महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थल और उनके जीवन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।